प्रदेश में घने कोहरे का कहर शुरू हो गया है। कोहरे के चलते राज्य के कई जिलों में हादसे हुए हैं, तो वहीं अलीगढ़ जिले में भी घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं और दो लोगों की मौत हो गई। वहीं वाहन टकराने से वहां अफरा तफरी मच गई और वहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को वाहन से बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां घायलों में दो लोगों की मौत हो चुकी है। मैं प्रशांत शर्मा, मैं यहाँ पर अकराबाद में पोस्टेड हूँ और यहाँ पर जो है गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये? रोहना सिंहपुर के फ्लाई मतलब ओवर ब्रिज पे एक्सीडेंट हुआ है। कोई शासन द्वारा व्यवस्था नहीं है कि क्या नाम है किसी तरह गाड़ी को रोका जा सके। कितने लोग घायल हुए होंगे? कम से कम नहीं तो 20 से 25 लोग घायल हो चुके हैं और दो तीन लोग एक्सपायर भी हो गए हैं अभी आगे तक। ये आपका जो है कहाँ तक? अकराबाद तक जो है। कितने वाहन जो है? कम से कम नहीं तो 20 वाहन जो है आपस में टकरा गए हैं। कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरीके की कोहरे में जो है चलने की। एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई है? मरीजों को किस तरीके से भेजा जा रहा है? मरीजों को टेम्पो के माध्यम से अभी जो है अभी क्या नाम है जो है कई बार जो एम्बुलेंस को कॉल कर दी गई फिर भी कोई नहीं आई है। पुलिस व्यवस्था कैसी है? पुलिस आई है क्या नाम है वो कर रहे हैं, लेकिन कोई गाड़ी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। मेरा नाम परविंदर सिंह है। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम अलीगढ़ से आ रहे हैं, अकराबाद में हम पोस्टेड हैं पीएस बीजलपुर में सहायक अध्यापक के पद पर। अच्छा, ये आपको ये बिलेट लगा हुआ है, क्या मामला है, कैसे लगा हुआ है? हम आए थे तब यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका था, कई गाड़ियाँ आपस में ठुक चुकी थी, तो हमने लोगों को साइड में लगाया, उनके लिए हेल्प की, गाड़ियों को रोका गया है यहाँ पर। जैसे ऑटो को रोका उसमें एक बंदे को तो भेज दिया गया है, अभी और गाड़ियों को रोक रहे हैं, कई बंदे अभी पड़े हुए हैं यहाँ पर। जिनसे कितने लोग घायल हो गए, कितने वाहनों में एक्सीडेंट हुआ है? तो यहाँ पर घायल तो कई गाड़ियाँ ठुकी हैं, 5-7 गाड़ियाँ तो लगातार यही हैं, इससे आगे 10-15 गाड़ियाँ कई गाड़ियाँ बताई जा रही हैं ठुकी हुई हैं। 20-25 लोग आराम से होंगे आगे तक देखा जाए तो। इसमें पुलिस व्यवस्था क्या काम कर रही है? पुलिस के कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं बकाया, और कोई वैसी व्यवस्था तो है नहीं। गाड़ियों की एम्बुलेंस तो अब तक आई नहीं है, कई कॉल एम्बुलेंस को कर दी गई है। एम्बुलेंस कोई नहीं आई, कई कॉल करी गई है जब से हम आए, तब से 10-15 मिनट से ज़्यादा हो गया कॉल करते करते, कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही है। घायलों को किस तरीके से भेजा जा रहा है? एक तो ऑटो पकड़ा है अभी रास्ते में से यहाँ से, उसमें वो बिठा के भेजा है, सिर्फ एक ही आदमी जा पाए उसमें, अब वो भी अपने खर्चे पे। एम्बुलेंस आई नहीं रही है और वाहनों को रोकना चाह रहा है, कोई रुक नहीं रहा है अभी यहाँ पर। पुलिस भी नहीं आ पा रही है? पुलिस कोई और नहीं आ पाई, अभी एक गाड़ी आई थी वो पुलिस की यहाँ से सीधी चली गई है, 112 नंबर की, यहाँ रुकी भी नहीं है वो। यहाँ पर कुछ लोग हैं पुलिस के यहाँ पर, वो है बस, वो लोग कर रहे हैं। यूपी में घने कोहरे के चलते अलग अलग शहरों में सड़क हादसे हुए हैं। सड़क हादसों में कई लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का इलाज भी किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोगों को इलाज के बाद आराम होने पर घर भेज दिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।